नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले के तिरोड़ी जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम अर्जुन टोला में अवैध रूप से मिट्टी, लकड़ी और रेत का उपयोग करते हुए ईंट भट्टों का संचालन बेरोक टोक चल रहा है। जिम्मेदार महज बयान देकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आपको बता दें, बालाघाट जिले के पछाड़ क्षेत्र की मिट्टी ईंट निर्माण के लिए काफी मुफीद मानी जाती है, इसलिए क्षेत्र के लोग इसका फायदा उठाते हुए टैक्स के कुछ रुपया बचाने अवैध रूप से ईंट भट्टे लगाकर खूब कमाई कर रहे हैं। ईंट बनाने के लिए जंगल से लकड़ी और नदी नालों से चोरी छुपे रेत भी लाई जाती है। ऐसे ही एक ईंट भट्टा संचालक गोलू साकरे ने हमसे बात की तो उसने अवैध ईंट भट्टा संचालन की बात स्वीकार की है। अभी नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ है? अरे 15 जून के बाद है ना। भट्टे का जो कारोबार चल रहा है इस क्षेत्र में, ये आपके नॉलेज में है? आप पिछले कुछ दिनों से कुछ आम जनों ने मेरे पास शिकायत दर्ज की थी इस संबंध में, तो मेरे नॉलेज में पिछले कुछ दिनों से तो ये बात है कि भट्टे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इस पे कार्रवाई आपने? मैं इसमें बहुत जल्दी कार्ययोजना, विस्तृत कार्ययोजना बना के सारे भट्टों पे एक साथ कार्यवाही करने की मेरी योजना है इसमें भविष्य में। आज अगर आपको कहीं ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर अवैध रूप से संचालित है तो बिल्कुल कार्यवाही कर। किसी को परमिट किया हुआ? नहीं, मैंने पिछले 15 महीनों के अपनी तिरोड़ी के कार्यकाल में किसी को भी ईंट भट्टों के लिए परमिट नहीं दिया है, ना मेरे पास आज तक कोई भी इस संबंध में आवेदन आया है। हमने देखा है कि जो ईंट भट्टों के संचालन करने वाले जो लोग हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कहते हैं कि अधिकारी कर्मचारी हमारा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये गलत बात है। अवैध धंधे करने वाले लोग इस तरीके की बात कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम जो है वो नियमों की सीमा में ही रह के किया जाए तो बेहतर है, और अगर गलत तरीके से किया जाएगा तो निश्चित तौर पर कार्यवाही होगी। ईंट भट्टे जो चल रहे हैं उसमें अनलीगल रेत का भी यूज हो रहा है, लकड़ी का भी यूज हो रहा है। हाँ, रेत के संबंध में तो अब वर्तमान में कुछ कहना इसलिए अप्रासंगिक होगा क्योंकि अब सारे रेत की घाट स्वीकृत हो चुके हैं और एक दो दिन में वो रनिंग में आ भी जाएंगे, तो रेत के लिए तो वर्तमान में अब ठेकेदारी जिम्मेदार है अपने जो भी उन्होंने। नहीं, चूंकि जब रेत की रॉयल्टी का की बात तो अभी हो रही है, इसके पहले जो टाइम था कोरोना का लॉकडाउन का जो समय था उस समय भी इन लोगों ने अवैध कार्य। लॉकडाउन के समय पे तो ईंट भट्टों पे बंदिश थी उस समय, लेकिन जितनी मात्रा में वहाँ पर ईंट बनी हुई है वो तो लगातार काम चल रहा है। नहीं, हफ्ते 10 दिन का काम नहीं है। नहीं, कोरोना काल में तो मैंने खुद ने देखा हुआ है कि ईंट भट्टे टोटली बंद थे, ईंट भट्टे बंद थे, उनका परिवहन भी बंद था, कोई परिवहन भी नहीं हो रहा था। ईंट भट्टे जैसे थे, जो किसी की अगर कच्ची ईंट बनी रखी हुई है तो वैसी ही बनी हुई थी, कोई भी ईंट भट्टे कोरोना के समय पे।